देव, नारकी और मनुष्य इनको छोड़कर चाहे वनस्पति आदि जितने जीव है सभी त्रियंश थे, पर त्रियंश भी आगे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय भया। पंचेंद्रिय पशु, आप कौन हो? आप कौन हो? पशु मनुष्य है, जानते हैं? कहने के लिए तो हम मनुष्य है, पर बर्ताव, बर्ताव पशुओं से ऐसा भी नहीं, पशुओं से भी माँ गया भीता बर्ताव। हम परस्पर में एक घर में, एक देश, एक राष्ट्र, एक समाज, एक स्थान में करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समय समय पर हमारे पाप कर्म हमें धक्का देते हैं, और जैसे ही पाप कर्म उदय में आते हैं हम विवेक खो बैठते हैं। वे पुनः मोह का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, हम सरासर भूल जाते हैं। देखा है, साक्षात साक्षात देखा है। आप लोगों ने नहीं देखा क्या माताओं? दूसरों की नहीं कहो, अपनी ही कहो ना, अपनी ही पहचान करो ना। जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब घर का लाल लाल दिखता है क्या? आंखें ही लाल हो गई होती, अब वो लसके लाल नहीं दिखते, उसके गाल लाल हो जाते हैं। काय का लाल? सोचो कि हम मनुष्य बनने के बाद पशु वृत्ति नहीं छोड़ पाए, फिर तो वहां साक्षात हम पशु ही थे, त्रियंश ही थे। जब इंसान बन के पशु वृत्ति नहीं छोड़ पाए, विवेक नहीं धारण कर पा रहे हैं, फिर तो वो असंगी पंचेंद्रिय था, पशु था, वो कितना पाप करता था। वो नहीं, मैं भी तो वहां था, मैं भी तो वहां था। आज मनुष्य बन के भी ऐसा पाप करने वाले पंडित जी कौन है, कौन है, कौन है? वर्तमान के थे वो, मनुष्य गति के है, पर भूत प्रज्ञापन ने से अगर समझे तो वे पशु ही थे। पशु बनकर दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरे को खाने का, दूसरे को दुख देने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ पाए थे, इसलिए आज इंसान बनकर भी दूसरों की बुराई, दूसरों को मारना काटना इतना ही काम कर रहे हैं। जाके देखो ना, वे बाजार में उल्टे लटके जीवों को नहीं दिखाई देता आप लोगों को? क्यों लटके उल्टे? कैसे लटके उल्टे? और उन लटकाने वालों के बारे में भी तो सोचो, क्या दशा होगी। कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म, पिछले पर्याय के संस्कार उदय में आ रहे हैं, जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। मन बिन निपट अज्ञानी भय, निपट 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 अज्ञानी, कुछ विवेक ही नहीं, कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। अरे मनुष्य बनने के बाद तो कम से कम विवेक रखो, कम से कम देव सास गुरु के पास पहुंच के ही हम पाप ना करें, पर क्या करें, हम वहां पहुंचकर उनके भेष में पहुंचकर भी अगर मायाचारी कर रहे हैं तो क्या होगा। सोचने जैसी, विचार करने जैसी बात है। अब सोचने समझने का समय नहीं बचा है, निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। मां, ना आप स्वयं पशु बनो, ना बच्चों को पशु बनाओ। आचार्य जिनसेन स्वामी स्पष्ट रूप से शास्त्री जी कह रहे हैं आदि पुराण में, जब तक बच्चे 8 वर्ष के होने के उपरांत उनको अगर संस्कारित नहीं किया है तो वह मनुष्य नहीं है, इंसान कहने और धर्मात्मा कहने योग्य नहीं है। कब बनते हैं पंडित जी? श्रावक, विधि पूर्वक 8 वर्ष के उपरांत अगर यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार नहीं किए हैं तो माँ वह मात्र कहने के लिए, ढांचे के लिए इंसान है, पर वे इंसान नहीं है। बिना संस्कारों का तो पशु ही हुआ करता है। आप लोगों को बनना है ना पशु? ठीक है, आप नहीं बनना, घर में जो जन्मे हैं उनको पशु बना देना। नहीं बनाना है, नहीं बनना है तो निर्णय कर लो,
समय आपके पास है, समय आपके निकट है, ये विश्वास मानना माँ। आज आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं दोगे, कल आपका हाथ पकड़कर, आपको गाड़ी पर बिठाकर वे कभी तुम्हें परमात्मा के पास ले नहीं आएंगे। आज ऐसी स्थिति है बड़े बड़े शहरों में कि वह माता पिता कहीं कोने में अनाथ आश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और वे बढ़िया एसी पंखे कूलर की हवा में बढ़कर बहुत बड़े बड़े अफसर बनकर घूम रहे हैं। किस काम की पढ़ाई अगर संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, शिक्षा किस काम की? शिक्षा तो वो होती है, ज्ञान तो वो होता है जो सादगी बढ़ाता है, ज्ञान तो वो होता है, संस्कार तो वो होता है, शिक्षा तो वो होती है जो सादगी बढ़ाता है। आज का ज्ञान और आज की शिक्षा गंदगी बढ़ाता है, सादगी घटाता है। विचार करना और निर्णय करना, चंद समय शेष है अपने पास जीवन को संस्कारित करने का, मगर माता पिता ही संस्कारित हो और माता पिता ही निर्णय कर ले तो आने वाली पीढ़ी अवश्य अवश्य संस्कारित होगी। ऐसे ऐसे दृश्य हमने अपनी आँखों से देखे हैं माताओं कि जिनको आज कहना, सबके सामने कहना संभव नहीं है। रोते बिलखते माताएं पहुँचती है, पिताएं पहुँचते हैं, महाराज जी बेटे को समझा दो, बेटे ने घर से निकाल दिया, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति सत्य घटना दे बताऊं, वे ऐसी दो भाई थे, दो सगे भाई थे, और दोनों सगे भाइयों की माँ कौन होगी? माँ अलग अलग होगी ना। एक माँ को संभालने के लिए दोनों ने 15-15 दिन बांट लिए थे महीने के। एक ही मकान में रहते थे, ऊपर नीचे 15 दिन नीचे भोजन, 15 दिन ऊपर। वह एक दिन पहुंची माँ नियोग से, हम उस दिन वहीं पे थे उनके नगर में। वह माँ पहुंची और कहती, समय हो गया था सामयिक का, मैंने कहा जा माँ कितनी देर बैठोगी, भोजन नहीं करना है क्या? सहजता में हमने कह दिया, अभी हमें भी सामायिक करने थे, अब माँ को क्या कहे, वृद्ध थी। मैंने कहा जाओ माँ, अम्मा भोजन नहीं करने? कहती महाराज जी आज उपवास है। मैंने कहा आज ना अष्टमी ना चतुर्दशी, काय का उपवास? कहती महाराज जी आज 31 का महीना है ना। मैंने कहा मतलब 31 का महीना, मैं समझा नहीं। वो कह रहे महाराज जी क्या बताऊँ अपनी व्यथा, दो सगे बेटे हैं, पर 15-15 दिन की ड्यूटी है, आज 31 का महीना है तो 15 दिन, और वे अगर किसी के पास भी जाओ तो बहू कहती है उनका नंबर है, वो कहती उनका नंबर है। सो मैंने निर्णय कर लिया जब 31 का महीना होता है तो 31वें दिन में मैं उपवास कर लेती हूँ। अभी तो चुक चुक कर रहे हो माताओं, पर आप अपने बच्चों और बच्चियों को संस्कार नहीं दोगे तो आपके साथ ये स्थिति ना बने, इसलिए सोच लेना और समझ लेना। कोई बहुत भारी नियम नहीं है मोनू, और गुरु आज्ञा के सबको वह बहुत बहुत अच्छे से समझने की और संभालने की आवश्यकता है। गुरु आज्ञा फिर है ही, पक्का मान लेना। मतलब पूरी सामयिक पंडित जी उस दिन उस माँ को और उस जीव को लेकर मैं सोचता रहा कि क्या दुर्दशा है संसार की, दो सगे भाई बहू के और उस पत्नी के चक्कर में आके कह रहे 15 दिन आपका, एक दिन माँ उपास ही भोगी रहेगी? सोचो, वो माँ भोगी रहे नहीं रहे, ये माँ भोगी ना रहे पाए इतना ध्यान रखना। ये भी तो माँ है, ये भी माँ कह रही है, सोचो और समझो। कई सारे माताओं की आंखें गीली हो गई, माँ आज आँखें गीली करने से काम नहीं होगा, आज जाग जाओ, संभल जाओ। और मैं तो कहता हूँ कानों कान, और क्योंकि संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क माँ है, जियो फेल है माताओं के सामने। हाँ 5G 6G भी आ जाए तो फेल हो जाएगा, वो 6G चलने में टाइम लग जाएगा, लॉन्च होने में टाइम लग जाएगा। माताओं से बस इतना कहना, माँ किसी से कहना मत, ऐसे कहते ना बहन तुमसे कह रहे, कोई से कही हो मत,
बस इतना कहना, आग देर से लग जाएगी, पूरे समाज में और पूरे देश में हल्ला तुरंत हो जाएगा। इसलिए माँ जो झूठ बोलने की डिबिया, पाप करने की डिबिया हाथों हाथ पकड़ाई है ना, सबको ये कहानी भी सुना देना, और जिनको जिनको अपने घर परिवार खानदान को संभालना है, संस्कारित करना है, तो सोच लेना सोच लेना सोच लेना, कल ऐसा ना हो, कल ऐसा ना हो कि आपके बेटा और बेटियों के चक्कर, आप जो मंदिर में सुबह सुबह उठते उठकर चावल की डिब्बी लेके आते हो ना, कल ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाए। ये निर्णय कर लेना आज बहुत 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 ज़रूरी है, उन बहनों को, उन बच्चों को, सबको समझाने की। और मुझे विश्वास है अगर वे सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में नियम लेंगे तो जी जान देकर उसे पालन भी करेंगे। पर आपके संबल, आपके हाथ की वो आशीर्वाद की, आपके संबल देने की आवश्यकता है। समय हो गया है, समय हो गया है, पशु मतलब पशु तो बन गए, अब इंसान बनने का समय हो गया है। सोचे विचार करे सिंहादिक सेनी वह क्रूर, मत बनो क्रूर, मत बनो क्रूर। और आने वाली पीढ़ी को अगर क्रूर नहीं बनाना है तो संस्कारित कर लो, संस्कारित कर लो, संस्कारित कर लो, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए सोच समझकर, विचार करके, उन दूसरों को प्रताड़ित करते करते सदियां बीत गई, अब अपने जीव की, अपने धर्म की, अपने कुल खानदान परिवार सबकी रक्षा आपके ही हाथ में है। नहीं तो पशु बन के सिंह मगरमच्छ आदि बनते बनते कितनों को खा लिया, कितनों को दुखी कर लिया। अब सुख का कुछ पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, मायाचारी छोड़कर कुछ धर्म का पुरुषार्थ करो। जाओ घर नहीं जाने का, पूरे ही मन लग गो नंदीश्वर वालों को, का करे वे माल पिताजी मंत्री जी कह रहे थे महाराज जी बात ना हो जाए, संजीव जी कह रहे थे वाचना हो जाए, मुझे मैं तो बहुत कुछ बड़ा सोच रहा था, तुमने वाचना करके छोटा सा काम कर लिया, मैं तो और बड़ी बात सोच रहा था। मोनू वही कह रहा है महाराज जी हम धीरे पहले छिंगली पकड़ते हैं और फिर कोचा पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करोगे और सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। पर माँ मायाचारी से रहित होकर हमारा श्रद्धा समर्पण भक्ति का प्रतीक करते हुए अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ निष्फल होता ही नहीं। देर लग सकती है, देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। पहले दिन से आए थे, तब से लगे थे, बहुत सारे वे महिला मंडल और वे बालिका मंडल कह रहे थे महाराज जी कोई आए नहीं आए, हम तो लेने आ ही जाएंगे, तब से सोच रहे थे। पहले दिन से आते आते आज 15 तारीख हो गए, ठीक है देर सही पर अंधेर नहीं है। ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहो, श्रद्धा और समर्पण कर बढ़ाते रहो तो नियम से एक महीना और ग्रीष्म काल क्या, एक साल भी टीकमगढ़ को मिल सकता है, बहुत बड़ी बात है। आज सुबह ही मैं सोच रहा था मोहना जी इतनी सारी कॉलोनियाँ आजकल टीकमगढ़ में हो गई, कहाँ कहाँ चार चार पाँच पाँच किलोमीटर तक, अगर कोई साधु ये सोच ले कि उसे कहीं जाना नहीं है तो पूरा एक साल भी टीकमगढ़ में रुक लेना, तो इधर से उधर तक कॉलोनी कॉलोनी और मंदिर मंदिर जाए तो उसका साल को निकल जाए। इसलिए हम अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण को बढ़ाते हुए, और फिर नंदीश्वर के जीवों की बात ही क्या, क्योंकि नंदीश्वर नाम प्रसिद्ध ही है। जब भगवान भगवान भक्ति करने, भगवान की भक्ति करने के लिए वह स्वर्गों के देव आ सकते हैं, और फिर भक्तों ने भक्ति कर ली तो साधु ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अपनी भक्ति को बढ़ाने का, पुरुषार्थ को सम्यक करने का प्रयास करें, अवश्य ही फल मिलेगा। जब निगोद में किया हुआ पुरुषार्थ रंग ला रहा है पंचेंद्रिय बनकर, और हम पंचेंद्रिय मनुष्य बनकर पुरुषार्थ करेंगे और रंग नहीं लाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समय हो गया है, बेचारे बहुत सारे जीव धूप में इंतज़ार कर रहे हैं, वे रंग ले रहे हैं धूप का,
कल भी सबने बहुत आनंद उत्साह के साथ वर्धमान स्वामी की वह जयंती मनाई। ऐसे ही अद्भुत कार्यों के साथ, अद्भुत भावों के साथ 17 तारीख को नहीं आएंगे ना, 17 तारीख को जिनको 31वें दिन उपवास नहीं करना है, जिनको 31वें दिन उपवास नहीं करना है, वृद्धाश्रम में नहीं जाना है, वो सोच ले, समझ ले, 17 तारीख को अपने अपने बच्चों को संस्कारों के लिए समय पर, समय को प्राप्त करने के लिए समय पे ले आए। हाँ, अरे तुम चिंता नहीं करो भगवान, अरे तुम चिंता ही नहीं करो, भगवान का दर इतना बड़ा होता है कि समोह शरण में 3 गति के जीव पहुंचते हैं तो जगह कम नहीं पड़ती। और वो तो पारसनाथ भगवान जो टीकमगढ़ के प्रसिद्ध पूरे, अरे धर्मशाला नहीं, वो इतनी जगह है। कल भी तो लोग कह रहे थे महाराज जी ऐसा होगा वैसा होगा, हुआ कुछ नहीं। जो गुरु का आशीर्वाद को जानता है, गुरु की कृपा को जानता है, वो क्यों मोनू तुम तो जानते ही हो, चंदेरा में टूटा पंडाल रातों रात खड़ा हो गया था, क्यों मोनू के पापा? कुछ नहीं था, मात्र मोगना जी एक छोटी सी वेदी प्रतिष्ठा होने वाली थी, वो भी 3 नहीं 2 दिन की, क्यों? पर होते होते वह पंचकल्याणक गजरथ का रूप हो गया था। वहाँ तो कुछ जगह था थी नहीं, इतनी बड़ी जगह हो गई। फिर तो ये टीकमगढ़ है, मांझ मंदिर का प्रांगण छोटा आज तक ना पड़ा है, भगवान ने पहले ही व्यवस्था करके रखी है। आगे कम पड़ गया तो उनने पहले ही पीछे से 2 मंजिल बना के रखी है, वहाँ कम पड़ गया तो पीछे और 2 मंजिल है। इसलिए जगह की चिंता नहीं करना, अपने जीवन की चिंता कर लेना। जीवन बदलना है तो जगह तो मिल ही जाएगी। और पुण्यात्मा भव्य होते हैं जब सिद्ध एक माही अनंत राजे वे अनंत विराजते हैं। हम भी वहाँ पहुँच जाए तो भगवान का दर कभी खाली जा ही नहीं सकता, और वहाँ कोई कम जगह हो ही नहीं सकती। जगह तो बहुत बड़ी हो सकती है, पर मोगना जी हृदय बड़ा होना चाहिए, हृदय बड़ा होना चाहिए। जगह तो मिल सकती है बैठने के लिए, पर जिसके हृदय में जगह है ना, वो सबको बिठा लेता है। इसलिए अपने भावों को, अपने विश्वास श्रद्धा को बढ़ाते हुए निर्णय करें। माताओं, निर्णय हो गया ना, 31वें दिन का उपवास नहीं करना है तो सोच लेना, विचार कर लेना। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि लालू समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।